ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है, इसका हम पैटर्न बनाएंगे। ब्लाउज का नाप ले लिया है, लंबाई है 13 इंच, चेस्ट है 32 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, बाजू 5.5 इंच, गले की लंबाई 10 इंच। यह हमारा सिलाई के लिए है, तो 13 पर तैयार करना है तो 13.5 रखेंगे। शोल्डर 5.5 इंच, बाजू 5.5 इंच, चेस्ट 32 है तो 8 रखेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से 1.5 इंच, ढाई इंच गले की चौड़ाई, गले के लंबाई 10 इंच, एक इंच पैटर्न के लिए। ड्राइंग बन के तैयार हो गया है, अब कट करेंगे। सिलने के बाद इसी तरह दिखेगा। ये हमारा अस्तर है, ये पेपर कटिंग है, अस्तर पर रख कर कटिंग करेंगे।
कपड़े पर आस्ता रख दिया है, अब इसको कट करेंगे। हम कैनवास पे निकालेंगे पेपर कटिंग। ये हमारा कपड़ा है, कैनवास को रखकर इस तरह कटिंग करेंगे। कट के तैयार हो गया है, अब इसको सिल के दिखाएंगे। इस पर हम कैनवास लगा दिया है, पर इसे चिपका दिया है, इसको सिलेंगे। अब इसको चटके देंगे। पलटी हो गया है, इसी तरह हम दूसरा भी सी लेंगे। ये दोनों बनके तैयार हो गया है, अभी इसको हम बनाएंगे।
सिलके तैयार हो गया है, पलटी कर दिया है। इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर दिया है। अब इसको सिलेंगे। सिल्क तैयार हो गया है, अब पाइपी लगाएंगे। पाइपिंग लग के तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरे में पाइपिंग लगा लिया है। पहले हम इसको फिटिंग करेंगे, फिर बाद में पाइपिंग लगाएंगे इधर से पूरा। अब इसको सी लेंगे।
सिल के तैयार हो गया है ये। अब इसमें पाइप लगाएंगे। पाइप लग के तैयार हो गया है इसमें। इसी तरह हम दूसरे में भी लगा लिया है। ये दोनों तैयार हो गया है। बीच वाला बनाएंगे, इसमें पाइप लगाएंगे इस तरह से। पाइप लग के तैयार हो गया है। अब हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से मोड़ेंगे। निशान लग गया है। फिटिंग हो गया है। अब इसको सी लेंगे। ब्लाउज सिल के तैयार हो गया है। बहुत खूबसूरत दिख रहा है ब्लाउज। आप भी ऐसा सिलिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।